नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुक फूड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लाई हूँ इंडिया की ट्रेडिशनल स्वीट खाजा। तो चलिए इसकी रेसिपी को फटाफट देख लेते हैं। ये 2 कप मैदा लिया है हमने, इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक और 3-4 चम्मच हम घी डालेंगे। अब घी को हम अच्छे से मैदे में मसल मसल के मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम मैदे को मुट्ठी में इस तरह से बांध करके देखेंगे। देखिए ये बन रही है, इसका मतलब परफेक्ट मोयम है। अब हम पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो देखिए हमने आटा लगा लिया है। तो चलिए इसे अब हम ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए हमने 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी और उसी कटोरी से हम उतना ही पानी डालेंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे और इसकी हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। तो देखिए 1 तार की चाशनी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और साथ ही हम डाल देंगे 2-3 बूंद फूड कलर का। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो हमने 3-4 चम्मच घी लिया है, इसमें हम मैदा डालेंगे और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम आटा को देखते हैं। आटा हमारी बिल्कुल सेट हो गई है, तो इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे। और इसे हम 2 हिस्सों में काट लेंगे और एक हिस्से को अच्छे से रोल करके इसकी अब हम लोइयां काटेंगे। लोइयां हमें एक बराबर नहीं काटनी है, सबसे पहले हम थोड़ी सी बड़ी लोई काटेंगे, फिर उसके बाद वाली उससे थोड़ी छोटी काटेंगे, उसके बाद वाली उससे छोटी, और इसी तरह से हम सारी लोइयों को 5 या 6 जितनी बने हम लोइयों को काट कर रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले छोटी वाली लोई को बेलेंगे। तो इसे हमें एकदम पतला इस तरह से पूरी की तरह बेल लेना है और उसके बाद हम उससे बड़ी वाली लोई को बेलेंगे और इसी तरह से हम सारी लोइयों को एक के बाद एक बेल लेंगे और लास्ट में हम सबसे बड़ी वाली लोई को बेलेंगे क्योंकि इसे हमें सबसे नीचे रखना है। तो सबसे बड़ी वाली लोई को हम इस तरह से बड़ा सा बेलेंगे और उस पर हम लगा लेंगे पेस्ट जो हमने घी और मैदे का बनाया था और इसे हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। अब इस पे हम डाल देंगे 1 रोटी और इसके ऊपर फिर से हम डालेंगे पेस्ट और इसे भी अच्छे से फैलाएंगे, फिर से 1 रोटी और इसी तरह से हम जितनी भी रोटियां हमने बेली हैं सारी को एक के ऊपर एक हम लगा देंगे और पेस्ट को हमें अच्छे से लगाना है, तभी हमारे खाजा की जो लेयर्स हैं वो खुलेंगी। तो देखिए हमने सारे को लगा दिया है, ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा करके लगा देंगे और फिर इसे हम रोल करेंगे। तो रोल करते वक्त हमें थोड़ा टाइट रोल बनाना है इस तरह से दबाते हुए और लास्ट में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि हमारा जो एंड है वो चिपक जाए। अब हम साइड्स को काट कर निकाल देंगे और फिर इसे हम 1/2 इंच के पीसेस में काट लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स दिख रही हैं। तो अब हम एक पीस को लेंगे और इस तरह से उंगली से दबाएंगे। देखिए लेयर्स कितनी अच्छी खुल गई हैं। अब हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे खाजा को बेल करके तैयार कर लें। हमें इन्हें हल्के गरम तेल में डालना है और गोल्डन होने तक इन्हें अच्छे से पलट पलट के हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए सारी लेयर्स खुल गई हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और बाकियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए चाशनी को हमने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया है और इसे थोड़ा गर्म भी कर लिया है। अब हम खाजा को इसमें डालेंगे। अब 1 चम्मच की मदद से इन्हें अच्छे से मिला लेंगे ताकि चाशनी इनमें अच्छी तरह से कोट हो जाए और फिर इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी खाजा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई सुझाव या कमेंट हो तो मुझे आप लिख सकते हैं।